जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदशिर त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इससे पहले मैं आपको एकदम डिटेल में इनकम टैक्स की हिस्ट्री से लेकर के फिर इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वीडियोस आपको डिटेल में एकदम प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने, और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, 12 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और अब इतना समय हमारे पास नहीं रह गया है कि मैं डिटेल में आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ा सकूं। इसलिए मैंने उनके शॉर्ट ट्रिक्स निकाले हैं और आपको मैं रिवीजन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये रिवीजन क्लास ऐसी है कि अगर एक बार आपने देख लिया इस वीडियो को पूरा, तो फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं रह जाएगा। 30 से 40 मिनट के अंदर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, इनकम टैक्स पूरी लॉ है भैया, इसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, अर्थात ये निश्चित नियमों के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कहा जाता है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। तो यहाँ पर नियम दिए गए हैं, अगर नियम आपको पता है और उनका सटीक अप्लाइड पार्ट आपको पता है या उनका सटीक प्रयोग आप कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं रह जाता है कि आपसे क्वेश्चन ना लग पाए। क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन बस इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि रूल्स को कैसे अप्लाइड किया जाए ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको आज पूरी की पूरी रूलिंग बताऊंगा और उस रूलिंग को कैसे अप्लाई करना है ये समझाऊंगा। आज की अपनी इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल गेन। इससे पहले मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, और एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो फिर कैपिटल गेन में, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इस तरीके से मैंने आज के वीडियो को अपने तैयार किया है, आज के स्टडी मटेरियल को मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। आपको 26, 27, 30, 32 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आज का वीडियो देख लो, उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन पे चले जाना, किसी भी एग्जाम्पल पर चले जाना, आपसे वो क्वेश्चन, आपसे वो एग्जाम्पल गलत नहीं होगा, और उम्मीद करूंगा कि आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हमारे इनकम का जो चौथा हेड है उसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉई है, मतलब नौकरी कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलेगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रखा है तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर वो बिजनेस करता है तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, और अगर वो प्रोफेशन करता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक में ही कंबाइंड ये हेड है हमारा, वहां पर उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई एसेट्स का ट्रांजेक्शन होता है तो उस एसेट्स के ट्रांजेक्शन पर होने वाले प्रॉफिट को कहाँ पर टैक्सेबल किया जाए या कहाँ पर उसके टैक्स लगाने के संदर्भ में नियम दिए गए हैं, तो वो भैया हमारा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल नेचर एसेट्स का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब पूंजीगत संपत्तियों का हस्तांतरण होता है, और उनके हस्तांतरण पर जो लाभ होता है उस लाभ को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। तो उस कैपिटल प्रॉफिट पर कैसे टैक्स लगाया जाए, इसकी रूलिंग जहां पर दी गई है, उस हेड को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहा जाता है। तो जब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करेंगे तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर कैपिटल गेन पे आए सीधे, इनकम तो बाद में देखेंगे। तो ये दो तरीके की होगी, कौन कौन तरीके, दो तरीके का गेन होगा आपको। एक तो होगा शॉर्ट टर्म क्या, कैपिटल गेन, और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म क्या, कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। जब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो यहां पर फिर से दो दो वैल्यू निकलेंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, हर बात के, हर वस्तु के, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से यहां पर गेन में भी दो सिचुएशन है, या तो किसी ट्रांजेक्शन पर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म, और अवधि के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, तो कम समय में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक यही बात यहां पर आती है, ये भी शॉर्ट टर्म, ये भी लॉस और गेन दोनों होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ओके, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पर एसटीसीएल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीएल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बात क्लियर है? तो पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये क्यों होता है, कैसे होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको जानते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम लोग भैया बात करेंगे नंबर एक पर शेयर्स के संदर्भ में, शेयर्स ट्रांजेक्शन, अगर शेयर का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, अंशों का हस्तांतरण किया जा रहा है, और ऐसे अंशों को क्या किया गया है, अप टू 12 मंथ्स और 1 ईयर अपने ओनरशिप में रखा गया है, मतलब अपने स्वामित्व में शेयर खरीदे गए किसी कंपनी के और उनको एक वर्ष तक अपने स्वामित्व में रखा गया और उसके उसके समय अंतराल में ही उनका ट्रांजेक्शन कर दिया गया, खरीदा और एक वर्ष के अंदर अंदर उनको बेच दिया, कहां तक, अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक या फिर एक वर्ष तक उनको अपने पास रखा गया और उसी समयावधि में उनको बेच दिया गया। तो अगर वहां से हमें गेन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉस होगा तो कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन अब अगर यहां पर हम लोग बात करें आकर के यहां पर, तो क्या होगा, मोर देन 12 मंथ्स और 1 ईयर, अगर शेयर को खरीदा गया और एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक उनको अपने स्वामित्व में रखा गया और उसके बाद में बेच दिया गया, एक वर्ष से ज्यादा अवधि, भले ही एक दिन, तो वहां पर अगर गेन होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा और अगर लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। बात क्लियर है? तो शेयर्स के कंडीशन में 12 महीने की अवधि तक अगर शेयर को अपने पास रखा गया और उसके बीच में उनको बेच दिया गया तो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और अगर 12 महीने बाद उनको बेचा गया तो वो ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म, प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से पहले प्रॉफिट होगा तो शॉर्ट टर्म, लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरे नंबर पर बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस और एग्रीकल्चरल लैंड, इसके संदर्भ में देखिए, अगर रेजिडेंशियल हाउस अपने रहने का मकान या कृषि योग्य जमीन का ट्रांजेक्शन किया जाता है और इनको कहां तक रखा गया था, अप टू 36 मंथ्स और 3 ईयर्स, 36 महीने के बीच में ही इनका कभी भी ट्रांजेक्शन कर दिया गया, 36 महीने के बीच में कभी भी ट्रांजेक्शन कर दिया गया, किसका, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर रेजिडेंशियल हाउस का, तो इसको क्या कहेंगे भैया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 36 महीने बाद या 3 वर्ष बाद ट्रांजेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे आफ्टर 36 मंथ्स और 3 ईयर्स, 3 वर्ष, 36 महीने में बात करेंगे तो 36 मंथ्स हो जाएंगे और अगर ईयर में बात करेंगे तो वो 3 ईयर हो जाएगा। अब अगर 36 महीने या 3 वर्ष के अंदर, दोनों एक ही बातें हैं, कि बाद में ट्रांजेक्शन किया जाता है, अंदर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो शॉर्ट टर्म, और अगर उसके बाद में खरीदा गया था, उसके बाद में उसको बेचा जा रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन पर होने वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। 36 महीने के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से ज्वेलरी की भी बात आती है, ज्वेलरी की भी बात आती है, ज्वेलरी के लिए भी ये कंडीशन सेम होती है, यहां पर ये सेम कंडीशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एकदम बात क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो रहा है या लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे, तो शॉर्ट का मतलब है कम, टर्म का मतलब है अवधि, अगर कम अवधि का ट्रांजेक्शन है तो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है, अगर लॉन्ग टर्म का है
तो फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन हो जाता है भैया। अब अगर कम अवधि में हमें गेन या लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और अगर लॉन्ग टर्म में हमें गेन या लॉस हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। बात क्लियर है? देखो यहां पर हर चीज, हर जगह क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, हर जगह क्या आ रहा है, टाइम। ओके, तो भाई टाइम आधारित है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बात क्लियर है? ओके, अब इसके बाद में चलें तो कुछ और अंतर हैं। पहला अंतर क्या हो गया है कि ये समय आधारित होता है। दूसरी बात होती है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इस पर सेक्शन 111 ए के तहत 15% का टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है? 15% का टैक्स लगता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इस पर अंडर सेक्शन 112 ए के तहत 20% का टैक्स लगता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 111 ए के तहत 15% का टैक्स लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 112 ए के तहत 20% का टैक्स लगता है। तीसरा डिफरेंस, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, और पहले पूरा यहीं से करेंगे और उसके बाद भी अगर रह जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी इसको पूरा कर सकते हैं। बात क्लियर है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सबसे पहले पूरा किया जाएगा अगर ये है तो, और अगर ये नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी पूरा कर लीजिए। कहां तक? अगले 8 वर्षों तक। जिस वर्ष में हुआ है उसके अगले 8 वर्षों तक आपको कहीं पर भी मिले तो इसको 8 वर्ष कैरी किया जा सकता है और आप इसको पूरा कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा किया जा सकता है। भले ही आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो भी आप इससे पूरा इसको नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई है? उम्मीद है ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं डिडक्शन की। किसकी बात करते हैं? डिडक्शंस की। इस सेक्शन की डिडक्शन क्या है? मैंने आपको बोला था ना, ये वाला वीडियो पूरा देखने के बाद में कुछ नहीं छोड़ूंगा जिस पर आपको डाउट रह जाए। आपके पास कुछ नहीं ऐसा होगा जो क्लियर ना हो। हाँ, ये वाला वीडियो आपको अपने दिमाग को खोल करके, आंखों को लगा करके, सही तरीके से बस देखना और समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और इसे लाइक जरूर करिएगा अगर आप इसे अच्छा समझ रहे हैं तो। अब अगर डिडक्शन की बात करी जाए तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपना रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा है, अपना रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा है, तो उस हाउस को बेचने पर उसे जो कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन से अगर वो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, शर्त एक है कि उसके पास अन्य कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। ओके, इस ये सभी डिडक्शन जो दी गई है वो सेक्शन 54 में दी गई है, अलग अलग सेक्शन करके मोस्टली सब सेक्शन 54 में है। तो अगर उसके पास में दूसरा रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, पहला रेजिडेंशियल हाउस बेचा और दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, साथ ही साथ उसके पास कोई अन्य रेजिडेंशियल हाउस है नहीं, तो जितने का वो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदेगा उतनी पूरी डिडक्शन उसको मिल जाएगी, चाहे वो लॉस में क्यों ना चला जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचने पर 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, कितना, 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, और उसने 25 लाख रुपए लगा करके दूसरा एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया है, इस कंडीशन में वो 5 लाख रुपए लॉस में जा रहा है तो जाने दीजिए, चले जाने दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, मतलब डिडक्शन पूरी मिल जाएगी। ओके, कब तक? समय फिर आ गया, कब तक ये डिडक्शन मिलेगी? तो भैया मेरे, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हो तो बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद, बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद के समय के बीच में कहीं पर आप रेजिडेंशियल हाउस अगर खरीदे हैं तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर बनवाने की बात कही जाए तो बेचने की ट्रांजेक्शन जिस डेट में आपका हुआ है उस डेट से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद तक अगर आपने दूसरा रेजिडेंशियल हाउस बनवा लिया है तो डिडक्शन मिल जाएगी। खरीदने के संदर्भ में बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद, बनवाने के संदर्भ में बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद तक अगर आपने बनवाया या खरीदा है तो आपको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी।
अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दो रेजिडेंशियल हाउस खरीदे, पहला रेजिडेंशियल हाउस बेचकर दो रेजिडेंशियल हाउस खरीदे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति एक रेजिडेंशियल हाउस अपना बेच रहा है और दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, दूसरा नहीं बल्कि दो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है, और उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अप टू ₹2 करोड़ है, कितना 2 करोड़ रुपए तक है, तो फिर वो दो रेजिडेंशियल हाउस खरीद ले, तीन रेजिडेंशियल हाउस खरीद ले, सबका डिडक्शन मिल जाएगा, दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा है, 2 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में अगर वो दो रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है तो उन दोनों में से किसी एक रेजिडेंशियल हाउस का ही उसको डिडक्शन मिलेगा। अब बात आती है कौन से रेजिडेंशियल हाउस का डिडक्शन मिलेगा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो एक खरीदा, मान लो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 करोड़ रुपया और उसने दो रेजिडेंशियल हाउस खरीदे हैं, एक 3 करोड़ रुपए का है और एक 1.5 करोड़ रुपए का है, तो फिर यहाँ 3 करोड़ रुपए का जो रेजिडेंशियल हाउस उसने खरीदा है उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी रेजिडेंशियल हाउस के संदर्भ में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के संदर्भ में। अगर एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने के बाद आपको कैपिटल गेन हो रहा है और उस कैपिटल गेन से आप दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हैं, कब तक, बेचने के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद, क्योंकि जमीन को बनवाया नहीं जा सकता, तो यहां पर 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद की ही कंडीशन लगती है। जमीन को बेचने के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद तक की अवधि में अगर आपने दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड कहीं खरीद ली है तो आपको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी जितनी आपने, जितनी कॉस्ट पे करके आपने एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज किया है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल लैंड के संदर्भ में एक संशोधन कर लीजिएगा, इसकी अवधि 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष होती है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन के स्वामित्व में या उसके फैमिली के स्वामित्व में कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड 24 महीने या 2 वर्ष तक केवल रही है तो उसके ट्रांजेक्शन पर होने वाला प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। हाँ, ध्यान रहे 24 महीने से पहले अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो ऐसा ट्रांजेक्शन पर जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष नहीं ये 2 वर्ष है, या 24 माह है। बात क्लियर है। अब अगर ज्वेलरी की बात करी जाए तो ज्वेलरी की कंडीशन भी सेम है। ज्वेलरी को अगर खरीदा गया है और उसको 2 वर्ष तक अपने स्वामित्व में रखा गया है और उसके बाद में बेचा गया है तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। हाँ, इससे पहले अगर इसको बेच दिया गया है तो इस पर शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होगा लॉस या फिर कैपिटल गेन। अब बात आती ज्वेलरी को बेचने से जो इनकम हुई, अगर उससे ज्वेलरी खरीद लिया जाए तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? जी नहीं, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सुविधा आपको केवल और केवल रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर रेजिडेंशियल हाउस और एग्रीकल्चरल लैंड को बेचकर एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने पर ही मिलती है। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिएगा, अगर रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा जाए तो पूरी डिडक्शन मिल जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड को बेच करके एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी जाए तो पूरी डिडक्शन मिल जाती है, ज्वेलरी को बेच करके ज्वेलरी खरीदी जाए तो डिडक्शन नहीं मिलती है, शेयर्स को बेच करके शेयर्स खरीदे जाए डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन जब कोई दूसरी संपत्ति बेचकर कोई दूसरी संपत्ति खरीदी जाती है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट पार्ट का डिडक्शन मिल जाता है। यदि किसी एसएससी को कैपिटल गेन हुआ रेजिडेंशियल हाउस को बेचने पर या एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पर, और जो टाइम है रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने के लिए 2 वर्ष, बनवाने के लिए 3 वर्ष, एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने का टाइम है 2 वर्ष, इस अवधि में अभी उसने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, तो अगर आप खरीदोगे नहीं तो आपको उसी कैपिटल गेन पर टैक्स लग जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, अगर उसका मन है खरीदने का आगे समय में लेकिन तुरंत उसने उसी वर्ष में नहीं खरीदा है तो उसको क्या करना है, पूरे का पूरा पैसा वो उठा ले जितना उसका कैपिटल गेन हुआ है और स्टेट बैंक के कैपिटल गेन अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दे। अब जब तक उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट रहेगा इस अवधि के अंदर तब तक उसको इस पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर अवधि पूरी हो जाएगी फिर भी आप डिपॉजिट रखेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या जब भी आप वहां से विड्रॉल करेंगे पैसा उस असेट्स को खरीदने के अतिरिक्त तो आपको उस पर टैक्स पड़ जाएगा। अगर वहां कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा विड्रॉल करके कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस या एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली जाती है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो ये है एक सिचुएशन पूरी जिसमें हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता कैसे है और कौन कौन सी डिडक्शंस यहाँ पर मिलती हैं। अब बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन, या ऐसे कहें इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है।
तो आइए देखते हैं इसका कंपटीशन कैसे किया जाता है। तो जब बात करी जाती है कंपटीशन कैसे किया जाए कैपिटल गेन का, तो आइए सबसे पहले शॉर्ट टर्म में समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स है उसको बेचा गया होगा। बेचने पर हो सकता है आपने कमीशन दिया हो, कमीशन, या फिर ब्रोकरेज दिया हो। तो अगर कमीशन या ब्रोकरेज दिया गया है तो उसको हटा देंगे, ये आ जाएगी हमारी नेट सेल्स। नेट सेल्स से हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब प्राप्त करने की लागत, और जो कुछ यहां बचा वो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। अब अगर ये कैपिटल गेन है तो गेन हो जाएगा, और अगर लॉस है तो लॉस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल, कैपिटल तो लिख लेंगे, आगे ये हमारे पास में गेन है या लॉस ये सिचुएशन बताएगी। अगर हमारी बचत हो रही है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है जितना मैंने बेचा है संपत्ति को उससे, तो फिर यहां पर होने वाला जो पारितोषिक है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है एकदम? तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर से ध्यान दे दीजिए, यहां पर जितने का माल आप बेचेंगे, जितने की संपत्ति आप बेचेंगे, माल की बात नहीं होती है, कैपिटल नेचर एसेट्स होती है, जितने की संपत्ति आप बेचेंगे उसमें से अगर आपने कमीशन या फिर ब्रोकरेज दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, फिर हमारी नेट सेल्स आ जाएगी, और नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। यहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अवधि कैसी है, देखो क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट टर्म, कम अवधि का है तो कम अवधि में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा ऐसा नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। इस वजह से सेल्स से सीधे उसकी कॉस्ट को माइनस किया जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म में जब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सेल ऑफ एसेट्स, संपत्ति की बिक्री होगी, उस बिक्री से हम लोग माइनस करेंगे कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन या ब्रोकरेज जो दिया गया उसको माइनस करेंगे तो ये आएगी हमारी नेट सेल्स। अब नेट सेल्स से क्या करेंगे, हो सकता है, देखो समय बहुत लंबा है इसका, इसका समय बहुत लंबा होता है, 3 वर्ष तो बात कही गई या 2 वर्ष, लेकिन ये उससे कई वर्ष लंबा होता है। प्रॉपर्टी, लैंड या फिर बिल्डिंग कोई रोज रोज खरीदने और बेचने वाली संपत्ति नहीं है, एक बार खरीदी जाती है तो लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो लंबी अवधि तक जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रिपेयर भी कराएंगे, रिनोवेशन भी करा सकते हैं और रिकॉन्स्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, मतलब इसका मरम्मत भी कराएंगे, नवीनीकरण भी कराएंगे और पुनर्निर्माण भी करा सकते हैं, और उसका भी अवधि लंबा होता है। तो इस कंडीशन में उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाली जाती है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज होती रहती है। मैं आपको बता चुका हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एक्चुअली मैंने पढ़ाया था और वहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मैंने बताया था, अगर 10 वर्ष पहले आपने किसी को 1000 रुपए दिए और 10 वर्ष बाद आकर के वो आपको 1000 रुपए लौटा दे, ये कहे कि लो मैंने आपसे 10,000 लिए थे, 1,000 लिया था और 1000 रुपए मैं आज आपको दे रहा हूँ, और आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ इसने 1000 लिया था और 1000 दे रहा है, तो नहीं भाई, वो मुश्किल से 10 वर्ष बाद 1000 रुपए की वैल्यू मुश्किल 300 के आसपास रह गई है। देखने में वो 1000 ही है लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है मार्केट में, उसको एक्सपेंड करने पर जो कमोडिटी हमें प्राप्त होगी वो मुश्किल से 300 रुपए के आसपास की उस टाइम के आधार पर मिलेगी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो जब हम लोग लॉन्ग टर्म में आएंगे तो नेट सेल्स से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिनोवेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। ये सूचकांक क्या बताता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है कि 10 वर्ष पहले मूल्य कितना था 100 रुपए का और 10 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, उसी के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे सपोज दैट हमारा जो स्टार्ट हुआ है इंडेक्स वो है 2001 से स्टार्ट हुआ है, 2001-2002 से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट टाइम में हमारा ईयर चल रहा है 2020-2021। यहाँ का इंडेक्स है 100 रुपया और यहाँ का इंडेक्स है शायद 301 रुपया, 301 ही है शायद, क्या 301 ही है।
तो मान लो आपने यहां पर वर्ष 2000-2001 में कोई संपत्ति खरीदी थी, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की खरीदी थी, तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, इस टाइप से। मतलब उस टाइम पर खर्च किया गया 1 लाख रुपया आज के समय का 3,01,000 रुपया हो चुका है। इस तरीके से इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ये वाले इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं देगा तो 2001 और 2 मतलब जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो नहीं देता, पर प्रीवियस ईयर वाला इंडेक्स नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं देगा तो, और बीच का कोई भी इंडेक्स होगा तो हर हालत में दिया ही रहेगा, उसी के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। तो इस आधार पर हम लोग जितना पे किए होंगे रिपेयर पर, रिनोवेशन पर या रिकॉन्स्ट्रक्शन पर, उसका वैल्यू लेंगे और यहां पर इनटू में हमारा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स ही आएगा जो कि 301 रुपए है, और अपॉन में जो भी उस वर्ष का इंडेक्स होगा वो आएगा। इस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, उसको नेट सेल्स से माइनस कर देंगे। अब यहां जो कुछ भी बचेगा इसमें से फिर से माइनस करेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस संपत्ति को प्राप्त करने की इंडेक्स कॉस्ट क्या थी, क्योंकि प्राप्त आपने 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले इसको प्राप्त किया होगा, तो उस समय की इंडेक्स कॉस्ट क्या थी, उस समय की वैल्यू और आज की वैल्यू में क्या चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक इसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो भी मैंने एक्सपेंस किया होगा इसको प्राप्त करने पर उसके इनटू में 301 रहेगा और अपॉन में उस वर्ष का इंडेक्स रहेगा जिस वर्ष मैंने उसको प्राप्त किया था। बात क्लियर हो गई है। और इसको यहां से माइनस करेंगे जो भी आएगा, तो यहां पर जो कुछ आएगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, जो कुछ भी होगा, अगर गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अगर लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। जो कुछ भी होगा उसको यहां पर नोट आउट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक अन्य प्रॉब्लम आ गई है, वो क्या, देखो यहां पर भी हम लोगों ने लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यहां पर भी हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लो कोई संपत्ति किसी को गिफ्ट में मिली, मान लो कोई संपत्ति किसी को उपहार में मिल गई है, गिफ्ट में मिली है, तो उसने उसकी कीमत क्या चुकाई, कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसको बेचेगा तो उसे पैसा तो मिलेगा, मिलेगा तो टैक्स भी लगना चाहिए। जब टैक्स लगाया जाए तो सेल्स तो हुई, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालें या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये तो है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एसेट्स, जैसे मान लो एक्स ने कोई एसेट्स परचेज करी और वाई को इसे गिफ्ट में दे दिया, किसको दे दिया, वाई को गिफ्ट कर दिया, वाई ने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो टैक्स लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, वाई के ऊपर लगाएंगे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो एक्स ने जो कॉस्ट चुकाई थी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो वाली लेंगे। बात क्लियर है। जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है उसने तो कॉस्ट चुकाई थी, तो कॉस्ट उसकी लेंगे और टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे, जिसने उसको बेचा है। पहली बात, पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया होगा जो क्वेश्चन में आपको बहुत परेशान करेगा। अब दूसरी बात आती है, मान लो इंडेक्स हमारा स्टार्ट हुआ 2001-2002 से, हमने कोई एसेट्स परचेज करी थी 1999 में, और 1999 में जब उसको मैंने परचेज करी तो उस पर मैंने कॉस्ट अपनी कितनी पे करी है उसकी, मान लो 4 लाख रुपए कॉस्ट उसकी पे करी हमने, ओके। उस समय इंडेक्स नहीं था, इंडेक्स आया मेरा 2001-2002 से, और वहां पर उसका फेयर मार्केट वैल्यू है आपका 5 लाख रुपए, ठीक है। उस एसेट्स को 2020-21 में 30 लाख रुपए में बेचा गया है, कितने बेचा गया है, 30 लाख रुपए में बेचा गया है। अब बताओ उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 4 लाख रुपए लोगे या फिर आप 5 लाख रुपए लोगे, क्योंकि इस 4 लाख रुपए के टाइम में आपके पास इंडेक्स नहीं था और इस टाइम इंडेक्स तो है लेकिन खरीद एक वर्ष पहले चुके हो। तो प्रॉब्लम है कि कौन सी वैल्यू लें और कैसे इसका कैलकुलेशन करें। ये 4 नंबर का क्वेश्चन छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ, 4-5 वैल्यू दे देगा तो उसके साथ में पूछ लेगा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए भैया, अगर कभी ऐसा हो कि जब तुम्हारा इंडेक्स स्टार्ट हुआ उससे पहले कोई एसेट्स परचेज करी गई, इंडेक्स स्टार्ट होने के पहले एसेट्स परचेज की जा चुकी है, तो ध्यान रहे इंडेक्स स्टार्ट होने वाले ईयर में, इंडेक्स स्टार्ट होने वाले ईयर में उसका फेयर मार्केट वैल्यू जरूर दिया होगा। क्या फेयर मार्केट वैल्यू जरूर दिया होगा।
अब आपको क्या करना है, वो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है और कॉस्ट देखनी है। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगी वैल्यू, इन दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी, ओके, परचेजिंग टाइम जो कॉस्ट आपने पे करी वो, या फिर जिस वर्ष इंडेक्स स्टार्ट हुआ उस वर्ष जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको लेकर के हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एसएससी को बेनिफिट हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट पर जब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और सेल से जब ज्यादा वैल्यू माइनस की जाएगी तो कम वैल्यू हमारी गेन के रूप में बचेगी। तो कम वैल्यू जब गेन के रूप में बचेगी तो उस पर कम टैक्स लगेगा। डाउट का बेनिफिट हमेशा एसएससी को दिया जाता है। तो ध्यान रहे, जब कभी भी इंडेक्स स्टार्ट होने वाले वर्ष से पहले कोई एसेट्स खरीदी गई होगी तो हम लोग उस वर्ष की वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो ज्यादा होगी वो लेंगे। हाँ, इंडेक्स 2001 और 2 वाला ही लेंगे, ये बात हमको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? बस थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं आपको बताना, उसके बाद में ये चैप्टर एकदम खत्म है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, और अगर आपने इनको सही तरीके से देख लिया है, सुन लिया है और समझ लिया है तो फिर अब आप कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। देखिए, अगर एसेट्स देखें हम लोग, नंबर एक पर प्लांट एंड मशीनरी, नंबर दो पर फर्नीचर। अगर इन एसेट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन एसेट्स को बेचा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इनके लिए कॉस्ट नहीं देखी जाती है, इनके लिए WDV देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सेल्स माइनस WDV। WDV का मतलब होता है, देखो ये ऐसी एसेट्स हैं, इनको यूज करने पर इन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना डेप्रिसिएशन लगता है? तो डेप इन पर लगती है 10% की, अर्थात प्रत्येक वर्ष इनका यूज करने पर 10% की इनकी वैल्यू घट जाएगी, ऐसा माना जाता है। जब 10% वैल्यू घट जाएगी तो जो कुछ भी बचेगी बाद में उसको कहते हैं WDV, अर्थात रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, तो इनका कैलकुलेशन करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सेल्स माइनस WDV करना चाहिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेनी चाहिए। बात क्लियर है? इसके बाद में बात करें, अगर कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ग्रामीण कृषि योग्य जमीन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। और उसका ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, उस पर कोई गेन हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उसका कैलकुलेशन ही यहां नहीं करते। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैसे निर्धारित करेंगे कि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है? वहां की पॉपुलेशन, जहां पर जमीन है वो किसी गांव में स्थित होनी चाहिए, उस गांव की पॉपुलेशन 10,000 से कम होनी चाहिए, किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र अगर गांव में है तो नगर पालिका क्षेत्र में आएगी ही नहीं, लेकिन याद रखना है नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। तो ये अगर तीन कंडीशन पूरी हो रही हैं तो ऐसी जमीन को कहा जाता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अर्थात ग्रामीण कृषियों की जमीन। और अगर ऐसी जमीन का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानते, कैपिटल एसेट्स नहीं मानते तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद बात आती है, अगर कोई पर्सनल एसेट्स बेची जा रही, क्वेश्चन के अंदर लिख के आ रहा है पर्सनल एसेट्स का ट्रांजेक्शन हुआ, पर्सनल एसेट्स का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर उसको भी कैपिटल एसेट्स नहीं मानते और उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं किया जाता। किसी भी पर्सनल एसेट्स को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो वहां से गेन हो या लॉस हो, उसका कैलकुलेशन ही यहाँ पर नहीं किया जाता। लास्ट बात एक और रह गई, अगर मान लो किसी की जमीन को सरकार जास्ती अधिग्रहित कर लेती है, मतलब अपने कब्जे में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग चली जाती है, वो ले लेती है, गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग उसको ले लेती है, तो यहां तो बिक्री हुई ही नहीं लेकिन गवर्नमेंट मुआवजा देती है, तो जो मुआवजा देती है क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? जी हाँ, उस पर भी टैक्स लगेगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग ले लेती है, मतलब अधिग्रहित कर लेती है, तो उसके लिए जो मुआवजा देगी उसी को सेल्स मान लिया जाता है। और उस सेल्स से जो उसकी कॉस्ट रही होगी, जो उसने पे करके उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का है तो फिर उसकी सीधे कॉस्ट माइनस कर देंगे, अदरवाइज उसकी इंडेक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो कुछ भी बचेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और उस पर भी टैक्स बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इनको आपने ध्यान से सुन लिया है, वीडियो को पूरा देखा है और समझते हुए इसको आगे बढ़े हैं, तो अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह नहीं गई होगी कैपिटल गेन के संदर्भ में कि अब आपसे हो ना पाए। अगर ये रूलिंग आपको पता है तो उसके बाद में तो जोड़ना घटाना है सिर्फ, जो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे भी आसानी के साथ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट होता ही है टैक्स की रूलिंग, ये जल्दी समझ नहीं आती। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको इसी 40 मिनट के अंदर अंदर
सबकी सब रूलिंग उपलब्ध कराऊं और मैंने किया भी है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए मदद करेगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।